कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को तोड़ने की मंशा है। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के पीछे आम आदमी पार्टी को खत्म करने की मंशा है। ईडी की कार्रवाई के पीछे कोई जांच का उद्देश्य नहीं है, भ्रष्टाचार को उजागर करने का उद्देश्य नहीं है। ईडी की कार्रवाई के पीछे, ईडी के छापे के पीछे, ईडी की जांच के पीछे सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने का मकसद है। और इसलिए मैं दोहरा रहा हूं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। यही काम इन्होंने महाराष्ट्र में किया, अरुणाचल में किया, उत्तराखंड में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया। लेकिन याद रखना, आज इस वक्त में आम आदमी पार्टी की भी परीक्षा है, एक एक मंत्री और विधायक की भी परीक्षा है कि हम किस रूप में अपने आप को चाहते हैं कि हमें याद किया जाए, बहादुर के रूप में या कायर के रूप में। यह इतिहास दर्ज करेगा कि आप कैसे ऐसी भ्रष्ट पार्टी, ऐसी बेईमान पार्टी, ऐसी गुंडागर्दी मचाने वाली पार्टी जो देश भर में पार्टियों को तोड़ रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला ऐसे दौर में आप कैसे करते हैं, ये भी तय होगा।